आज समय दे लई, आज वेले दे लई और आज दे सुबह दे लई जो परमेश्वर ने बीत की रात में सानू संभालिया, बीत के दिन में सानू संभालिया और आज एक नवा दिन, ये नवा सवेरा, नवी जिंदगी सा सानू बख्शे ने और अपने चरणा दे विच अपने खुदा का शुक्र करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन के वल असीं चलते हैं, खुदा की बाणी नूं सुणांगे, प्रभु के वचन सुनते हैं। असीं देखांगे पुराने नियम दे विच कूच की किताब दा 3 अध्याय और उसकी 7 आयत असीं देखते हैं। कूच की किताब दा 3 अध्याय और उसकी 7 आयत विच इदां लिखिया, कहिंदा यहोवा ने आखिया मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेखिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया, खुदा का कलाम दसदा, परमेश्वर कहिंदा मेरियां नज़रां धर्मियां और कुधर्मियां नूं तकदियां रहिंदियां ने, वेखदियां रहिंदियां ने। खुदा की नज़र लिखिया धरती दे उत्ते रहिंदी है, वह अपने लोगों नूं वेखदा आ। और वचन च इस गल दा सबूत दिता है, कहिंदा मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेखिया है। हालेलुया, खुदा ने अपने लोगों की मुसीबत नूं वेखिया जदों मिस्र दे विच सन, उन्हां दी मुसीबत नूं, उन्हां दी जरूरत नूं वेखिया जदों उह जंगल दे विच सन, रण दे विच सन। परमेश्वर ने अपने लोगों की जरूरत नूं वेखिया जदों अब्राहम दे घर दे विच औलाद नहीं सी। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने लोगों के उत्ते दृष्टि की, अपने बंदियां दे दृष्टि की जदों उह मूसा दे लई, मूसा भोजन दे लई, मांस दे लई मंग करदे सी। और अज भी बाइबल च लिखिया खुदा अपने लोगों नूं वेखदा आ। हालेलुया, अज भी वह अपने लोगों नूं वेखदा आ, उन्हां दे उत्ते नज़र करदा आ, ध्यान करदा आ, क्योंकि उन्हें वादा किया कलाम दे विच दुध चौंकते बच्चे नूं मां भुल सकती है। अज हो रहा है, अज हुंदा है, असीं देखदे सोशल मीडिया दे उत्ते नवें जम्मे बच्चों नूं कोई कूड़े दे सिट गया, कोई बाथरूम दे हॉस्पिटल दे बाथरूम च सिट के चला गया, कोई रोड से सुट के चला गया, कोई किसी के घर देकर सुट के चला गया, कोई अनाथ आश्रम च दे के चला गया। अज भी होंदा है, क्योंकि कलाम सच आ, प्रभु की बाणी सच आ। उन्हें कहा दुध चुंघते बच्चे नूं मां भुल सकती है पर मैं अपने बनाए इंसान नूं कदे नहीं भुलांगा, कदे नहीं भुलांगा, कदे नहीं छड्डांगा। उन्हें वादा किया कहिंदा मैं जगत के अंत तक तुहाडे नाल आ। हालेलुया, बाइबल ने कहा पहली गल मुसीबत नूं सचमुच वेख्या, पहली गल वेख्या। अक्सर अगे कहता और उन्हों की दुहाई नूं जो उन्हों तो बेगार कराने वाले के कारण है सुनी है। पहली गल उन्हें वेख्या, दूजी गल उन्हें सुनिया है। हालेलुया, कहता मेरे कान एडे भारे नहीं कि तुहाडी सुन ना सका। पहली गल कहता उन्हें अपने लोगों की मुसीबत नूं वेख्या, वह जीवंदा खुदा आ, जीवंदा परमेश्वर आ जो वेखदा आ ते सुनदा आ। हालेलुया, लिखिया उहदे कान ने सुनदा आ, उहदियां अखां ने वेखदा आ। असीं कलाम च पढ़दे आ, प्रभु दे वचन च देखदे आ, कहिंदा जिन्ने अख रची आ की उह आप नहीं वेखदा, ते जिन्ने कान दित्ता की उह आप नहीं सुनदा, उह वेखदा भी आ। उहने बाइबल च प्रमाण दित्ता है, कहिंदा मैं वेखिया अपने लोकां दी मुसीबत नूं, आ लिखिया उहनां दी दुहाई नूं सुणिया। अगे लिखिया कहिंदा क्यों जो मैं जानदा आ। हालेलुया, इत्थे 3 गल ने। पहली गल मैं उन्हां दी मुसीबत नूं वेखिया, खुदा वेखदा आ साडे मुसीबतां नूं, खुदा वेखदा आ साडे हालातां नूं, परमेश्वर वेखदा आ साडे समयां नूं, असीं किस समय दे विचों गुजर रहे हां, असीं किस मुश्किल दे विचों गुजर रहे हां। दूजी गल सुणिया, उह सुणदा आ जदों असीं दुआवां करदे हां, जो अने सुन जो अगर फरियाद करते हैं जी आराधना करते हैं सुन। और तीसरी गल जानता है, जानता है साड़ी की समस्या, साड़ा की दुख है, वह जानता है। बाइबल खुदा का कलाम दसदा, परमेश्वर ने अपने दास इज़राइल दा क्या
जर्मिया क्या कहना मां के पेट के बन तो पहला मैं तेन जानता है। खुदा अपने लोगों को जानता है, उन्हां दियां दुखां नूं वेखदा है, उन्हां दियां दुहाइयां नूं सुनदा है। और उन्हें वादा किया कहिंदा अते मैं उत्तर आया है। हालेलुया कहिंदा हुण मैं की कीता है, उत्तर आया है। वो परमेश्वर अपने लोगों के मौजूद रहने वाला खुदा है। उन्हें वादा पढ़ते कहिंदा जिथे दो जां तीन मेरे नाम इकट्ठे होंदे ने, दो जां तीन मेरे नाच कट्ठे होंगे ने। हम कट्ठे तो बड़े लोग होंगे ने, कोई रैलियां करने कट्ठा होंगे, कोई खुशियां मनाने कट्ठा होंगे, कोई इधर उधर गल्लां करने कट्ठे होंगे ने। पर कट्ठे क्यों होंगे ये भी चीज़ इंपोर्टेंट है। जे तो खुदा की आराधना करने कट्ठे होंगे, वचन सुनने लिए सुनाने लिए कट्ठे होंगे, तो फिर खुदा साढ़े मौजूद है। वो मखौलिया की मंडली च नहीं आता, लिखा ठठा करन वालियां दी मंडली च खुदा नहीं है। उन्हां दे विच मौजूद हुंदा जिहड़े उहदी आराधना करदे ने, उहदे वचन नूं पढ़दे ने, उहदियां गल्लां नूं करदे ने। हालेलुया वचन असीं देखदे आ जल्दी दे नाल रोमियां दी किताब उहदा 8 अध्याय और उहदी 32 आयत नूं असीं देखदे आ। रोमियां दी किताब उहदा 8 अध्याय उहदी 32 आयत असीं पढ़दे आ। इत्थे लिखिआ असी पढ़िया परमेश्वर वेखदा जानदा अते सुनदा है। और कलाम च असी पढ़दे आ रोमिया 8 दी 32 दे विच उहने कहा कहिंदा जिन्ने अपने पुत्र दा भी सरफा ना कीता सगो ओहनू असां सभना दे लई दे दिता, सो ओहदे नाल सारियां वस्तां भी सानू की करना बख्शेगा। कलाम दसदा जिहड़ा खुदा वेखदा आ, सुनदा आ, जानदा आ, कहिंदा उहने अपने पुत्र का भी सरफा, इकलौते का भी सरफा नहीं किया, उहनूं भी साडे लई दे दिता, साडे अपराधां लई घायल कर दिता, साडे गुनाहां दे लई उहनूं कुरबान कर दिता, ताकि उहदे बलिदान दे द्वारा असीं बचाए जाइए ते परमेश्वर दे नाल साडा मेल हो सके। हालेलुया खुदा दे नाल साडा मेल हो सके, परमेश्वर दे नाल असीं मिल जाइए। बाइबल च लिखा कहिंदा उहने अपने इकलौते का भी अपने पुत्र का भी सरफा नहीं किया, इन्ना उह साडे नाल प्यार करदा, इन्नी उह साडे नाल मुहब्बत करदा कि उहने अपने पुत्र का भी सरफा नहीं किया, उहनूं भी बचा के नहीं रखिया, लिखिया उहनूं भी कुरबान कर दिता। हालेलुया तो कहिंदा जिन्हें अपना पुत्र ही बख्श दिता, अपना इकलौता ही साडे लई दे दिता, की उह बाकी चीज़ां साडे लई नहीं देवेगा, मुहैया नहीं करेगा, की उह साडे लई होर कुछ ना कर सकेगा, की साडियां जरूरतां नूं पूरा नहीं कर सकता, की उह साडे हालातां नूं नहीं बदल सकता, वह सारा कुछ कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करन वाला है। बाइबल च लिखिया जो इंसान दे लई अनहोणा है वह परमेश्वर को। असी पढ़ते जल्दी ना रोमिया 5:8 दे विच, रोमिया दी किताब 5:8 विच इदां लिखिया कहिंदा परंतु परमेश्वर अपना प्रेम साडे उत्ते इउं प्रगट करदा है, भई जां असीं अजे पापी ही सां तां मसीह साडे लई मोया। हालेलुया ये खुदा दा प्यार है, परमेश्वर दा प्यार है। कहिंदा असीं अजे पापी सां, असीं पाप दे विच ही सां, असीं देखदे दुनिया दे विच बड़े लोग आए, बड़े संत महात्मा, बड़े पीर पैगंबर आए, बड़े लोग समाज को सुधारन के लिए, संसार के पाप को खत्म करने के लिए आए, लेकिन नारा की सीगा पापी नू मार दिओ ते पाप मर जाए, पापी नू खत्म कर दिओ ते पाप ही खत्म हो जाए। किन्ने पापी खत्म होए पर पाप खत्म नहीं होया। लिखिया ये जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। आदम हवा ने पाप किया, वो पाप लिखिया चलता 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 अज के समय तक साढ़े तक पहुंच गया। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह संसार दे विच आया पाप नू खत्म करन दे लई, उन्हें पापी नू ते प्यार किया, पापी नू बचा लिया, पर उहदे अंदर पाप नू उन्हें खत्म किया, उहदी बुरियाई नू उन्हें खत्म किया। पापी दे लई उन्हें सलीब उत्ते अपनी जान दित्ती ताकि उहदे लहू द्वारा धुप के असी साफ हो जाइए। सो साडा जो पाप आ वो साफ हो जाए, असी पवित्र हो जाइए, तो पवित्र परमेश्वर नाल साडा
मेल हो जावी। हालेलुया। असी पढ़ते हाँ 8:14 दे विच इदां लिखिया, रोमियां 8:14 दे विच लिखिया, इत लिखिया कहिंदा जिन्हें आत्मा की अगवाई ना चलते ने उही परमेश्वर दे पुत्र ने। जे असी लहू न धुप गए हाँ, साफ हो गए हाँ, आत्मा की अगवाई द्वारा चलते हाँ, तो खुदा ने सानू एक नाम दिता है, एक पहचान दिती। जदों खुदा दे विच नहीं सीगे तां साडी पहचान की सी, पापी गिने जांदे सी, असी बुरियार गिने जांदे सां, पाप दे गुलाम गिने जांदे सां। पर जदों यीशु मसीह नूं असी ग्रहण कर लिया, मुक्तिदाता मन लिया, उहदे लहू दे विच धुप गए, तौबा कर ली, बपतिस्मा लै लिया, खुदा नूं जाण लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, ते फिर खुदा ने साडा नाम बदल के पापी तो सानू नाम की दिता, अपने धिया पुत्र बना दिता, साडी पहचान बदल दिती। हुण असी पापी नहीं बल्कि परमेश्वर दे की हो गए हाँ, धिया ते पुत्र हो गए हाँ, उहदे बच्चे हो गए हैं। हालेलुया। हिंदी की बाइबल च लिखिया अपने बेटे और बेटियां, पर पंजाबी सिर्फ पुत्र लिखिया होया। सो कहने का मतलब असी परमेश्वर की हो गए हाँ, संतान हो गए हाँ, परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह के द्वारा असी संतान बने हैं, उहदे बलिदान के द्वारा सानू साफ किया गया है। बाइबल च लिखा लहू बहाउण दे नाल असी शुद्ध किए गए हैं। हालेलुया। खुदा की संतान बन गए हैं। असी पढ़ते हाँ यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 आयत पढ़ते हैं। कलाम के यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 विच इदां लिखिया कहिंदा पर जिन्हां ने उसनू कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उसके नाम ते नेचा की, जिन्हां ने लिखिया यीशु मसीह नू मुक्तिदाता कबूल कर लिया, उन्हें परमेश्वर के धियां ते पुत्र होने का उन्होंने की दिता आ, हक दिता है, हक दे दिता है। पर लिखिया ओ ना लहू तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना पुरख की इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। ये खुदा दे द्वारा साढ़े लिए रस्ता तैयार किया गया कि असी पाप तो छुट के तो उसके धियां ते पुत्र बन जाइए, बर्बादी के रस्ते तो उतर के ते जीवन के रस्ते उत्ते आ जाइए। हालेलुया। ये खुदा दे द्वारा साढ़े लिए तैयार किया गया। असी पढ़ते हाँ 1 पतरस उहदा 5 अध्याय और 10 आयत पढ़ते हाँ, कलाम के देखते हाँ 1 पतरस 5 अध्याय और 10 आयत देखते हाँ। 1 पतरस 5:10 दे विच इदां लिखिया, कलाम च लिखिया कहिंदा अते परम कृपालु परमेश्वर जिन्हें मसीह विच सद्या भोग लिया तां आपे तुहानू कालम कामिल कायम करेगा। हालेलुया। हुण बाइबल च लिखिया परमेश्वर दे पुत्र बन गए हैं, संतान बन गए, इत्थे ही बस नहीं है। जे खुदा दी संतान बन गए हैं हुण इत्थे ही बस नहीं है, इत्थों साडा सफर हुण शुरू हो जांदा है, इत्थों साडा काम हुण शुरू हुंदा है। जे मसीह ने संसार दे विच रह के अपनी पवित्रताई नू कायम रखिया, अपनी धार्मिकता नू बनाई रखिया, लिखिया उन्हें दुख झल्लिया, उन्हें बेइज्जती करवाई, मारा खादियां, भुख नू प्यास नू बर्दाश्त किया, खुदा दे काम नू पहल दित्ती, परमेश्वर नू पहल दित्ती, ते फिर साडे लई उन्हें नमूना पेश किया कि असी भी हुण इस रस्ते ते तुरीए। परमेश्वर की संतान होने के नाते असी भी दुखा नू कलेशा नू झलदे हुए बर्दाश्त करते हुए अपनी आत्मिकता अपनी धार्मिकता नू बनाए रखिए ते खुदा की आमद दे लई तैयार रहिए। हालेलुया। ताकि उहदे नाल उठाए जाइए दे वारस बनीए। बाइबल च लिखिया कहिंदा तुहानू थोड़ा चिर दुख भोग लिया, जद कहना तुसी थोड़ा चिर दुख भोग लिया तो आपे ही परमेश्वर तुहानू कायम कामिल ते तकड़िया करेगा। इहदा मतलब दुख झलना बड़ा जरूरी है, दुख सहना बड़ा जरूरी है। जे दुख सहवांगे झलांगे तंगी नू तक कट लवांगे ते बाइबल च लिखिया परमेश्वर आप सानू कामिल करेगा।
सानू कायम करेगा, मजबूत करेगा, तो फिर लिखा सानू तकड़िया करेगा। बाइबल च लिखा उन्हें जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धवानों की करे शर्मिंदा करे, मूर्खों को बुद्धवान बना दे, मूर्खों के द्वारा अपनी समझ को प्रगट करे। लिखा उन्हें कमजोरों को चुन लिया ताकि तकड़िया शर्मिंदा करे, कमजोरों को ताकतवर करे, तकड़िया फतेह दे। क्योंकि बाइबल च लिखा जो इंसान के कोलों नहीं हो सकता अनहोना है वह खुदा के कोलों हो सकता है, परमेश्वर करन वाला है। सज लोड़ आ खुदा के वचन के मजबूत होने की, अपनी बुलाहट को पहचानने की, अपने मुक्तिदाता के उत्ते विश्वास करन की, जिन्हें खून बहाया सानू बचाउण दे लई, बलिदान दिता सानू छुड़ा लिया, वो सानू ताकतवर भी कर सकता, सानू कामल भी कर सकता, साडे हालातों नू भी बदल सकता, सानू लड़न दे लई बल भी दे सकता है। हालेलुया। सो खुदा इस वचन द्वारा बरकत देवी, इस कलाम द्वारा बरकत देवी।